देश में 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। तीसरी लहर के खतरे के बीच बूस्टर डोज को काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर में मामले में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज देने की तैयारी कर ली गई है। 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 से ज़्यादा उम्र के जिन्हें कोई कमोरबिडिटी है उनको वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है। लेकिन इस बूस्टर डोज को लेकर भी कई सवाल हैं, जैसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन फिर करवाना होगा या नहीं। आपको बता दें कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर सीधे ही वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज भी उसी वैक्सीन की दी जाएगी जिसकी पहले से दो डोज लग चुकी है। इसी क्रम में लोरमी के 50 बिस्तर अस्पताल में लगभग 800 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मी 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य लेकर अपने काम में लगे हुए हैं।